नमस्कार दोस्तों दो महत्वपूर्ण खबरें हैं ज़्यादा लंबा वीडियो हम करते नहीं आपको पता ही है और एक महत्वपूर्ण खबर तो ये है कि कुछ विधानसभा सीटें जो खाली हुई थी देश भर में उन पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और दूसरे अब एक तरीके से ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की एक बड़ी मुहिम शुरू हो चुकी है और उसमें शशि थरूर बेचारे पिछड़ते हुए और फंसते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने जा रहा हूँ कुछ चौंकाने वाली चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो ये अपने आप में पर्याप्त हैं बताने के लिए कि मल्लिका अर्जुन खड़गे का जीतना कांग्रेस के नेताओं के लिए कितना जरूरी है और क्यों है और खुद गांधी परिवार उनके बारे में क्या सोचता है ये चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उससे आपको पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाएगा कि खड़गे साहब जो है वो क्यों कांग्रेस के लिए इतने महत्वपूर्ण अभी अभी बन गए हैं जबकि वो 80 साल के होने जा रहे हैं और उनमें इतनी एनर्जी भी नहीं है ये सब चीज़ें बताऊंगा लेकिन उससे पहले उपचुनाव को लेकर खबर जो मुख्य खबर है आज की देखिए चुनाव आयोग ने आज छः राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी तीन नवंबर को चुनाव होगा और छः नवंबर को परिणाम आ जाएगा महाराष्ट्र बिहार हरियाणा तेलंगाना उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं जिसमें नामांकन करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर रखी गई है 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव कराए जाने हैं उनमें उत्तर प्रदेश की गोला गोरखनाथ हरियाणा की आदमपुर बिहार की मोकामा और गोपालगंज महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट तेलंगाना की मुनुगोड़े और ओडिशा की धामनगर सीटें शामिल हैं आपको बताता हूँ कि सीटें ये खाली क्यों पड़ी थी मुनुगोड़े से आप समझ गए होंगे तेलंगाना की बड़ी इम्पोर्टेंट सीट है और वहाँ के जो कांग्रेस के विधायक थे राजगोपाल उनको मिला लिया है बीजेपी ने अपनी तरफ अमित शाह उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे और इस विधानसभा सीट के बारे में लोगों का यह कहना है कि तेलंगाना की अगर ये विधानसभा सीट बीजेपी जीत लेती है उपचुनाव में तो अगले साल होने वाला जो चुनाव है तेलंगाना विधानसभा का वो बहुत बड़ा चुनाव बन जाएगा और के के लिए बड़ा झटका होगा दूसरी ओर यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी भी मैदान में आने वाला है यहाँ पर के का भी प्रत्याशी और शायद असदुद्दीन उवैसी का प्रत्याशी भी मैदान में आए तो बीजेपी के चांसेस यहाँ बढ़िया बन रहे हैं उत्तर प्रदेश की गोला गोरखनाथ सीट से बीजेपी के विधायक अरविंद गिरी महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट से शिवसेना के विधायक रमेश लटके और बिहार की गोपालगंज सीट से सुभाष सिंह का जो विधायक थे वो उनका निधन हो गया था उनकी वजह से सीट खाली हो गई थी हरियाणा की आदमपुर सीट के बारे में आप जानी जाएंगे जैसे ही नाम लूँगा कुलदीप बिश्नोई वजन के बेटे उन्होंने इस्तीफा दिया था और बीजेपी ज्वाइन की थी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे और ये सीट रिक्त हो गई थी बिहार की मोकामा सीट से आरजेडी के अनंत सिंह विधायक थे लालू प्रसाद यादव की पार्टी वाले आपको पता होगा कि ए के फोर्टी रखने के आरोप में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी तो इसी वजह से इस सीट पर चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव मुझे लगता है कि हरियाणा का चुनाव तेलंगाना का चुनाव ये चुनाव मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं भैया उत्तर प्रदेश की जो गोला गोरखनाथ सीट है उसके बारे में कोई ज़्यादा क्यूरियसिटी नहीं है महाराष्ट्र के बारे में भी कोई नहीं है अब महाराष्ट्र के बारे में तो सिर्फ इतना हो सकता है कि वहाँ पर शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन में से ये किसके खाते में जाती है और कौन यहाँ से अपना प्रत्याशी उतारता है उसके जीतने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा फेयर नज़र आ रहे हैं बात करते हैं इनकी खड़गे साहब की देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर वैसे मैंने दिन के वक्त एक शॉर्ट बनाई थी और उस शॉर्ट में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी और मैंने ये भी बताया था कि गांधी जयंती के मौके पर जब सारे के सारे कांग्रेसी बापू की समाधि पर जाते हैं या शास्त्री जी की समाधि पर जाते हैं तो वहाँ पर सोनिया गांधी खड़गे जी को लेकर साथ में गई थी यानी कि वो कांग्रेस के भावी अध्यक्ष को अपने साथ लेकर घूम रही हैं शशि थरूर प्रचार पर निकले हुए हैं आज हैदराबाद में थे शशि थरूर उन्होंने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन जो कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं उनके साथ मुलाकात की और वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं जितनी भी उनकी सामर्थ्य है लेकिन कांग्रेस का जो सारा ताम झाम है सारा जो क्या कहना चाहिए कि मेन लॉबी है वो सारी की सारी गोलबंद हो रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन मैंने यही बात पर ऐतराज आपको बताया था कि शशि थरूर ने एक बयान दिया शशि थरूर ने आज ट्वीट भी किया है इस बारे में शशि थरूर ने यह कहा कि देखिए मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ने का सिर्फ यही है कि डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर ज़िंदा रहनी चाहिए और पार्टी जिस बदलाव की ज़रूरत पिछले पाँच सात साल से महसूस कर रही है वो बदलाव तभी संभव है जब मेरे जैसे लोग आगे आए खड़गे साहब जैसे लोग जो हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी उनसे मित्रता है मेरी जो उनसे लड़ाई है ये फ्रेंडली लड़ाई है कोई दुश्मनी नहीं है हमारी लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि अगर खड़गे जी जैसे लोग कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर कांग्रेस में जिस बदलाव की उम्मीद सभी कांग्रेसी कर रहे हैं और लड़ाई चल रही है जिसे लेकर वो पूरी नहीं हो पाएगी शशि थरूर अपनी जगह बात सही कह रहे हैं और देखिए इस चुनाव से मैं एक और भी बात आपको बताने जा रहा हूँ इस बात से एक चीज़ फिर स्पष्ट हो जाती है जो कभी मनमोहन सिंह के समय में सोनिया गांधी ने की थी आज राहुल गांधी कर रहे हैं जब मनमोहन सिंह बने थे उस समय आपको याद होगा कि सब में देश में चर्चा चली थी कि सोनिया गांधी को देश की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए लेकिन वो विरोध से डर गई थी सुषमा स्वराज ने कहा था कि मैं बाल कटवा लूँगी और किसी विदेशी को नहीं बनने दूंगी शरद पवार भी भड़क गए थे कि मैं किसी विदेशी को मंजूर नहीं करूँगा प्रधानमंत्री पद पर तो वो डर गई थी हालांकि उस समय अगर वो प्रधानमंत्री बन जाती तो शायद कुछ नहीं होता अगली बार 2009 में अगर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देती तो शायद कुछ नहीं होता लेकिन राहुल गांधी अब अनंत काल के लिए पीएम इन वेटिंग बन गए हैं क्योंकि सोनिया गांधी हिम्मत नहीं जुटा पाई रिस्क उठाने का खुद को पीएम बनाने का या फिर दो में राहुल गांधी को पीएम बनाने का कोई बात नहीं उनका जो ये डर और भय है उनके बच्चों में भी स्पष्ट नजर आता है स्पष्ट है गांधी परिवार किसी ऐसे चुनाव को फेस नहीं करना चाहता वरना राहुल गांधी भी नामांकन कर सकते थे प्रियंका गांधी भी नामांकन कर सकती थी और कहते हैं कि शशि थरूर ठीक है लड़ो मेरे सामने चुनाव आप लड़िए मेरे सामने चुनाव और हम चुनाव जीत कर आते हैं पार्टी में हमारे प्रति विश्वास है लोगों में और वो जीतते भी लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक डमी कैंडिडेट को उतारना इससे बेहतर लड़ाई तो अशोक गहलोत से ही हो सकती थी शशि थरूर की लेकिन अशोक गहलोत कमलनाथ इन सबको अपनी कर्म भूमि प्यार है सबको अगले साल राजस्थान या मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं उन पर फोकस करना है क्योंकि वे जानते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना एक थैंकलेस जॉब है और गांधी परिवार के अलावा इसे कोई भी अगर पार्टी में हैंडल करेगा या कोई भी इस पर बैठेगा तो वो एक कांटों का ताज नहीं होगा लंबी लंबी कीलों का ताज होगा जो एकदम से बैठते ही घुस जाएंगी तो ये सब लहूलुहान हो जाएगा तो इसीलिए सबको ये लग रहा है कि यार ठीक हो रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सोनिया गांधी जी ने ही चलाया है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ठीक है उसे हम सपोर्ट कर देते हैं इसमें वो लोग भी शामिल हो गए जो कल तक क्रांति की बात करते थे मनीष तिवारी आनंद शर्मा जो ग्रुप ट्वेंटी थ्री का हिस्सा थे खैर गुलाम नबी आज़ाद और कपिल सिब्बल तो पार्टी में रहे ही नहीं हैं तो इन सब लोगों ने भी उनके साइन करने शुरू कर दिए कुमारी सैलजा कह रही हैं शशि थरूर से कि आपको अपना नामांकन वापस ले लेना चाहिए कांग्रेस के कई और नेता भी उनसे कहने लगे हैं और शशि थरूर वो शख्स हैं मैं पर्सनली कांग्रेस पार्टी में शशि थरूर को बहुत पसंद करता हूं कई दिग्गज पत्रकारों के मैंने लेख पढ़े हैं उन्होंने साफ़ तौर से लिखा है कि शशि थरूर अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बन सक बनते हैं तो ये बढ़िया मैसेज जाएगा लेकिन अगर खड़गे बनते हैं अस्सी साल के खड़गे हैं क्या करेंगे एनर्जी नहीं है उस तरह की क्या कहना चाहिए कि दलित होने से बताइए क्या होता है क्या खड़गे वास्तव में दलित नेता हैं क्या वो मायावती या रामविलास पासवान की श्रेणी में आते हैं दलित नेता तो राहुल गांधी ने चरणजीत चन्नी को भी पंजाब में प्रोजेक्ट कर दिया था लेकिन क्या हुआ आज चरणजीत चन्नी कहाँ हैं कितनी बुरी तरीके से हारी कांग्रेस पंजाब में सब लोग जानते हैं तो केवल दलित होने से आप दलित नहीं बनते रामनाथ कोविंद को नरेंद्र मोदी ने दलित होने की वजह से प्राइम प्रेजिडेंट बनाया था क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ है बीजेपी को क्या दलितों ने इस बात को मान लिया था कि रामनाथ कोविंद हमारे दलितों के नेता हैं इसलिए हमें बीजेपी को वोट करना चाहिए जी नहीं बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में या 2019 के लोकसभा चुनाव में जो दलितों ने मतदान किया वो इसलिए किया कि बीजेपी ने तरह तरह की योजनाएं चलाई जिन जो डायरेक्ट बेनिफिट फंड्स ट्रांसफ़र किए गए खाते में गरीबों के और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं है, मुफ्त चावल देना मुफ्त दाल देना अनाज देना इन सब योजनाओं का लाभ बीजेपी को मिला है इसलिए बीजेपी को दलितों ने वोट देना शुरू नहीं किया कि साहब रामनाथ कोविंद को नरेंद्र मोदी ने दलित के रूप में प्रेसिडेंट बना दिया था हकीकत बात है हो सकता है कि द्रौपदी मुर्मू को बनाने के बाद आदिवासी अब बीजेपी के साथ आ जाए नरेंद्र मोदी के समर्थन में वोटिंग करें लेकिन मुझे नहीं लगता तो मेरा मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोई दलित फेस है नहीं के पार्टी ये कहते हैं कि हमने दलित फेस होने की वजह से खड़ा किया हकीकत बात यह है कि वो हार्ड कोर्ड गांधी परिवार के भक्त हैं आप जानते हैं क्या पांच बच्चे हैं इनके खड़गे जी के और तीन बच्चों के नाम आपको अगर बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि ये गांधी परिवार के कितने फैन हैं एक बच्चे का नाम है राहुल एक का प्रियांक और एक का प्रियदर्शनी समझ जाइए राहुल गांधी प्रियांक यानी प्रियंका और प्रियदर्शनी इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी का बचपन का नाम था ही इंदू तो ये इतने बड़े भक्त हैं कि अपने बच्चों के नाम इन्होंने गांधी परिवार पर रखे हुए हैं और शायद यही वजह है कि गांधी परिवार इन्हें बहुत पसंद करता है जब ये लोकसभा के सांसद थे गुलबर्गा से 2019 तक 19 से पहले तक तो इन्हें लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया फिर जब ये 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए तो इन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट करवा के राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया तो गांधी परिवार का इन पर आशीर्वाद पूरा पूरा रहा है और गांधी परिवार यह महसूस करेगा कि अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे को बना रहे हैं अध्यक्ष पार्टी का तो सब कुछ कंट्रोल उनके हाथ में ही रहने वाला है और हकीकत से आप भाग नहीं सकते आप क्या दिखाना चाहते हैं दक्षिण भारत से आते हैं दक्षिण भारत में कांग्रेस वैसे ही हर राज्य में लगभग खत्म है केवल हिंदी बेल्ट ऐसी बचती है जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आमने सामने का मुकाबला होता है चाहे वो राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कई ऐसे स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी फ़ाइट होती है 2019 में बताऊँ आपको कि मैं एक सीटें हिंदी भाषी इलाके में थी जहाँ पर सीधी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फ़ाइट हुई थी और राहुल गांधी अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में केवल सोलह सीटें जीत पाई थी कांग्रेस तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस अगर साउथ में एक दलित को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर कितनी सीटें जीत सकती है क्या फ़ायदा उसे होने जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इससे बेटर तो यही होता कि राहुल गांधी को ही मना लिया जाता कि राहुल गांधी जी आप ही तैयार हो जाइए मल्लिकार्जुन खड़के को अध्यक्ष बनाकर इस भले ही चुनाव का सारा ड्रामा हो कुछ हो कुछ भी हो शशि थरूर से फाइट हो कुछ भी हो लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है इससे बेहतर तो अशोक गहलोत ही उनके सामने चुनाव लड़ लेते तो ज़्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से और मैंने आपको बता ही दिया है कि उनकी हालत क्या थी और अशोक गहलोत की क्या बात करूँ अशोक गहलोत जब 2018 में इनकी सरकार बनी थी और एक साल बाद जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे आप सब जानते हैं कि राजस्थान में बीजेपी ने सारी लोकसभा सीटें जीत ली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में सारी की सारी सीटें जीत ली थी तो ये कितने कमलनाथ भी नहीं बचा पाए थे मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों को तो फिर इन लोगों पर भरोसा करके पार्टी क्यों अपना समय खराब कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है शशि थरूर की मैं कोई ऐसा नहीं है कि सिफारिश कर दूं और शशि थरूर अगर अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के, के तो क्रांति हो जाएगी लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस सही मायनों में पार्टी को जिंदा रखना चाहती है और कांग्रेसी जो कल तक चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी से पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे उन लोगों को आज शर्म आनी चाहिए कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे को बैक कर रहे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार के ही कैंडिडेट हैं मुझे लगा कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव का मुद्दा है वो लंबा चल भी रहा है और वीडियो आजकल हम छोटे बना रहे हैं रात के शो में और इसे बहुत सब लोगों ने आप सब लोगों ने सराहा भी है हालांकि आज हमने दो खबरें कवर की और जिस दिन ज़्यादा होगी हम ज़्यादा खबरें भी कवर करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट का आपका इंतजार रहता है कि कमेंट के माध्यम से आप लोगों का फीडबैक मुझे जरूर मिलना चाहिए तो कमेंट आप जरूर डालिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें कल फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें